आज क्लास में हम लोग सेट 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है जिनकी साइड्स का रेशियो आपको गिवन है और उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास है वो है गिवन रेशियो, मतलब जो ट्राइंगल की साइड्स है उनका आपको रेशियो दे रखा है, उनकी लेंथ नहीं दे रखी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे गिवन रेशियो आपको दे रखा है 12:17:25, ये आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स की बात करूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए बी और सी ये ट्राइंगल की साइड्स है, तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखिए x का 12 से मल्टीप्लाई 12x, b की वैल्यू मुझे मिलेगी 17x और c की वैल्यू 25x। a b c ये ट्राइंगल्स की साइड है, ओके। अब आपके पास दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये आपको वैल्यू दे रखी है 540 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम। यहाँ पे तीनों साइड क्या है, ए बी सी, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 540। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दीजिए 12x 17x 25x इक्वल्स टू 540। ऐड करेंगे हमारे पास 54x आएगा 540, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइड बाई 54 विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10, इस x की वैल्यू को हम a b c इन तीनों में पुट कर देंगे तो हमारे पास साइड्स आ जाएंगी ट्राइंगल की, जैसे कि a है 12x, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू x की वैल्यू 10 120। बी की वैल्यू 17x 17 × 10 170। सी की वैल्यू 25x तो 25 × 10 250। ओके अब हमारे पास साइड आ गई है, ज़रूरत है अब एरिया की। देखिए एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हेरोंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी साइड्स अलग हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो उसका फार्मूला लगाते, तो इस लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो इसलिए हम लोग हेरोंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हेरोंस फार्मूला के यूज़ से पहले हम लोगों को एस निकालना होगा, तो एस का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। ए की वैल्यू 120, बी की 170, सी की 250, बस पुट कर दीजिए। एस इक्वल्स टू इन सब का सम करेंगे 540 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं और तीनों साइड का सम करने पे उसका पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर हमें पहले से ही दे रखा है 540। 270 तो एस की वैल्यू आ गई है 270। अब इसके बाद हम लोग हेरोंस फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा फॉर्मूला हमारा अंडर रूट के अंदर है, ओके। इसके बाद हमने बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है सारी। देखिए एस की वैल्यू 270, फिर दोबारा से 270 माइनस ए की वैल्यू आई थी हमारी 120। सिमिलरली ये भी सेम ऐसी हो जाएगा, बस बी की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे भी ऐसी, ये सब आपके मल्टीप्लाई में और अंडर रूट के अंदर हैं, ओके। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है, 270 इंटू इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 100, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20।
अब देखिए क्या करना है, हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है तो ब्रेक करना होगा सबको। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, इसकी ट्रिक 27 × 10 में इसको लिख सकता हूँ 270 को, 150 को 15 × 10 लिख सकता हूँ, 100 को 10 × 10 लिख सकता हूँ, 20 को 2 × 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए 10 को एक तरफ रख दीजिए, बाकी सारे डिजिट्स को अलग रख दीजिए। एक 10 ये, यहाँ पे 2 10 है और यहाँ लास्ट में एक है। बाकी की जो बचे कुचे डिजिट्स हैं उनको यहाँ ले जाते हैं एक तरफ, 27 15 2। देखिए पेयरिंग करते हैं, यहाँ से 10 का एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, तो 2 10 हमारे बाहर आ जाएंगे, 10 × 10। यहाँ से एक निकला है और एक यहाँ से निकला है अंडर रूट के बाहर। अब इन सबको भी ब्रेक करते हैं, 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3, 3 9, 3 27। 15 को 3 × 5 और 2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से भी अब पेयरिंग होगी, एक पेयर ये निकल गया 3 का, एक पेयर ये निकल गया, तो बाहर क्या था 100 हो गया ये। तो यहाँ से एक 3 निकालिए, यहाँ से एक 3 निकालिए, 5 × 10, तो ये हो जाएगा 900 अंडर रूट 10, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो 10 है वो 5 है, 4 नहीं है, तो यहाँ पे × 10 और होगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5, टोटल 10, 5 है, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 4 काउंट कर लिए थे, एक लास्ट को मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो ये आंसर एक्चुअल में ये नहीं होगा, क्या होगा देखिए, बाहर तो 900 है ही, अंदर भी पेयरिंग होगी तो एक 10 और बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।